अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त नदीम खान। इस वक्त आप देख रहे हैं नदीम खान ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं, नदीम खान ऑफिशियल की हमेशा ये कोशिश रही और कामयाब कोशिश रही है कि उसने ना सिर्फ मुल्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान से उन टैलेंटेड लोगों को ना सिर्फ आपसे मुलाकात करवाई है बल्कि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ कब, कहाँ से और कैसे तय किया, आज वो किस मुकाम पर हैं। आइए आज आपकी मुलाकात एक ऐसी खूबरू कह सकते हैं, एक ऐसी पढ़ी लिखी कह सकते हैं और एक ऐसी टैलेंटेड बंदी से कराते हैं जिसे अल्लाह ताला ने अच्छे गले से तो नवाजा लेकिन उनके अंदर एक अच्छा इंसान भी मौजूद है। हमारी इंडस्ट्री की पढ़ी लिखी कंपेयर हैं, आप एक राइटर हैं, आप एक म्यूजिक एकेडमी को रन भी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे इवेंट्स में हम आपको देखते हैं जब आप खूबसूरत अंदाज में बतौर मेज़बान स्टेज पर अपने अपने काम को सरंजाम बखूबी तौर पर दे रही होती हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली हमारी सीनियर और बहुत ही खूबसूरत गुलकारा, कंपेयर और राइटर शमीम अंसारी। अस्सलाम वालेकुम शमीम अंसारी। वालेकुम सलाम नदीम, क्या हाल है? अल्लाह का करम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो शमीम अंसारी आपका शुक्रिया कि आपने नदीम खान ऑफिशियल को टाइम दिया, अब मसरूफ थी उसके बावजूद भी आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए वंस अगेन आपका दोबारा शुक्रिया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, कोई इतनी खास मसरूफियत भी नहीं, बस ठीक है, काम है वो करना पड़ता है। और बल्कि मैं आपसे माजरत करूँगी कि आपने दो तीन बार मुझसे अपॉइंटमेंट ली और मैं नहीं आ सकी, उसकी माजरत ऑडियंस के सामने, लेकिन आज खुशी हो रही है कि आप तशरीफ लाए, मेरे लिए ऑनर की बात। नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं, बेसिकली हर बंदा आज के दौर में खासा मसरूफ है और आप तो माशाल्लाह मुल्तान में द वन एंड ओनली एक हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा है। वैसे तो बहुत से लोग हैं, सभी हमारे अपने हैं, लेकिन आप हम देखते हैं कि आप रोज तकरीबन 3 से 4 इवेंट्स में एज ए होस्ट अपनी ड्यूटी को सरंजाम, तो कैसे करती हैं, मतलब आप मसरूफ रहती हैं, घर को कैसे टाइम देती हैं, कैसा हमारे व्यूअर्स को बताइए। नदीम आप क्योंकि खुद इस शोबिस से वाबस्ता हो, आप न्यूज़पेपर और साफ से वाबस्ता हो और माशाल्लाह आपने सोशल अपना चैनल भी बना लिया, तो आप जानते हो ये फील्ड बड़ी अजीब सी है, तो इसको तकरीबन फुल टाइम देना पड़ता है, तो घर तो फिर बहुत ही माइनर सा एक आपकी वो रह जाती है पार्टिसिपेशन, कि आप अपने अपने जो आपके ज़ाती पर्सनल इवेंट्स होते हैं ख़ानदान में फैमिलीज में, वो बहुत ना होने के बराबर हम लोग अटेंड कर पाते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इस फील्ड को फिर अपने काम को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। बहरहाल एडजस्टमेंट हो जाती है, जब आप सोच लेते हो कि ये करना है तो मैं तो मतलब अप टू माय एंड, जब मैं ये सोच लूँ कि मैंने करना है तो फिर मैं वो कोशिश अल्लाह ताला के हुक्म से करती हूँ और अल्लाह ताला नवाजते हैं इज्जत से, इसमें कोई शक नहीं, हो जाता है। शमीम अंसारी वही सवाल मैं आपसे भी करूंगा जो मैं अपनी हर सेलिब्रिटी से करता हूँ, आज आप हमारी सेलिब्रिटी हैं और अल्लाह ताला आपको इज्जत से नवाजे, हमारी दुआएं बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक तो मुल्तान से है लेकिन इसके बाद आप अपनी एजुकेशन मुकम्मल कहाँ तक की आपने और आप दीगर शोबा जात में कब और कैसे आई, मैं चाहूँ कि लोगों को मैं ना बताऊँ, आप अपनी जबानी खुद ही बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी नदीम मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में और ज़ाहिर है जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हो तो फिर आपका शौक हो स्टडी कंप्लीट करने का भी, काम करने का भी, तो वो फिर ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप स्टडी के लिए भी आप अपने आप को अपने टाइम देना होता है, अपने काम को भी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी किया 2011 से बाकायदा आईएसबी यूनिवर्सिटी से, एमएससी मास कम्युनिकेशन किया और शुक्र है कि मैं बड़े अच्छे नंबरों से मतलब उसको पास भी किया, और कोशिश तो थी कि मैं डिग्री लेके मास कम्युनिकेशन की इसी फील्ड में एडजस्ट हो जाऊं, बकायदा रेगुलर किसी उस पोस्ट पे आ जाऊं जो इस फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं सका। तो बहरहाल कंपेयरिंग जारी है, म्यूज़िक एकेडमी है वो एक शौक जारी है, तो इसके अलावा कुछ कंपनीज के प्रोग्राम्स आ जाते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना होता है, तो वो मिल मिला के सब कुछ चल रहा है। बड़ा मुश्किल होता है एक लड़की के लिए, जब आपने इसे स्टार्ट किया था तो उस वक्त लड़की थी, आज भी लड़की हैं, वैसे हमारे भी बस बुरा ना माने तो मैं दिल की बात कह रहा हूँ कि आज भी हमारी जो मैम है वो लड़की है और लड़की रहेंगी इंशाल्लाह, तो ये एक लड़की के लिए खातून के लिए हमारे माशरे में बड़ी तंग नजरी से देखा जाता है, जबकि हम उन्हें सुनना चाहते हैं या अगर कोई ताइफा हो तो उसको नाचना देखना चाहते हैं, लेकिन फिर हम इज्जतदार हो जाते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप?
नदीम, ये हमारी सोसाइटी की कह लें कि एक बहुत मतलब एक तल्ख हकीकत है कि कंट्राडिक्शन रहती है हमेशा, कि हम देखने में कुछ और हैं लेकिन इंटरनली जो है ना बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो हम कुछ और होते हैं, जबकि मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। ऐसा होना नहीं चाहिए कि अगर आप ट्रांसपेरेंटली अगर रहें तो मेरे ख्याल में आप लोगों से भी आपका इंटरेक्शन जो है वो फेयर होना चाहिए, अपने काम में भी आप फेयर रहें, जो कहें वो करें, जो नहीं कर सकते वो ना कहें। तो ये थोड़ा सा रहता है बहरहाल। तो बाकी रही कि हमारी जो एक तंग नजरी है हमारी सोसाइटी की, वो मजबूरी है क्योंकि हमारा मुल्तान का कल्चर ही ऐसा है, और फिर कुछ हमारे जो हमारी घरेलू लाइफ है वो भी, उसके भी कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो डिस्कस नहीं किए जा सकते। तो ख़वातीन को अभी भी जो है अभी टाइम शायद लगे, लेकिन ख़वातीन की भी यहाँ जिम्मेदारी बनती है कि जब उसके घर वाले उस पर इतना ट्रस्ट करके उसको इजाज़त दे रहे हैं फील्ड में आने की, तो वो फिर उनके एतमाद को ठेस ना पहुँचाए और जहाँ वो काम कर रही है अपने कोलीग्स के साथ फील्ड में, उस वहाँ पे भी अपना मयार, अपनी इज्जत, अपनी प्रेस्टीज को जो है वो कायम रखे। तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम आती है। कोई ऐसा वाकया हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, कोई ऐसा वाकया जो आपको आज तक याद हो कि आप बड़े ही गुस्से में आते थे, आपकी शख्सियत बताती नहीं कि आप गुस्से में आती हैं, आपको गुस्सा आ गया, ऑडियंस में से किसी ने तंग किया हो या सीटी बजाई हो या इस तरह की कोई हरकत की हो जिससे आप? मैं गुस्से की मैं तेज हूँ लेकिन अक्सर मैं उसको पी जाती हूँ, लेकिन जब गुस्सा आता है तो बहुत बुरा आता है, वो अनबेयरेबल होता है, फिर वो बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन काम के दौरान बाज़ुकात आर्ट्स काउंसिल में ऐसी ऑडियंस आ जाती है कि वो ऐसा कोई फिक्रेबाजी या कोई हुल्लड़बाज़ी ऐसी हो जाती है, तो वहाँ दिल कर रहा होता है कि उनको ओपनली माइक पे जो है ना बड़ा सख्ती के साथ जवाब दिया जाए, लेकिन वहाँ पे भी ना चाहते हुए हम उसको माहौल को क्योंकि ख़राब नहीं करना चाहते और हमारी फैमिलीज वहाँ पे आती हैं, तो फिर वो बुरा लगता है। बहरहाल बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, टी वी सेट पर भी रिकॉर्डिंग करवाते हुए भी हुआ है, जो प्राइवेट हम शोज़ करते हैं वहाँ पर भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने हमेशा उसको वक्त का साथ समझौता करते हुए अपने आप को नॉर्मल ही रखा है। नहीं, आप गुस्सा पीती हैं, चाय नहीं पीती? चाय मैं शौक से पीती हूँ। नहीं पीने तो चाय चाहिए, लेकिन आप गुस्सा पीती हैं तो प्लस पॉइंट हो जाती है। हाँ बिल्कुल प्लस पॉइंट है, लेकिन मुझे चाय का भी शौक है, बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ शाम को एक कप मैंने पीना होता है, सिर्फ एक। हाँ, नहीं शमीम अंसारी सिर्फ एक कप पीती हूँ, सुरीला गला अपना बहाल रखती है। अच्छा, प्लस पॉइंट ये है कि शमीम अंसारी एक बहुत अच्छी राइटर भी है, PTV के लिए या दीगर बहुत से निजी चैनल्स हैं जिनके लिए ये लिखती भी हैं। इनका जो करियर स्टार्ट इन्होंने किया वो रेडियो पाकिस्तान से, ऐसे ही जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बताएं हमारे व्यूवर्स को। नदीम 2007 में बकायदा मेरा ऑडिशन हुआ था रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से, अली तना साहब स्टेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने जो वैसे ही, हालांकि मैं किसी काम से किसी अपनी दोस्त फ्रेंड के साथ गई थी, तो उन्होंने मुझे बोलते सुना तो उन्होंने मुझे एक बुक मेरे आगे रख दी और उन्होंने एक पहरा कहा कि मैडम ये मुझे ज़रा पढ़ के सुनाया अपनी आवाज़ में। मैंने पढ़ के सुना दिया, उन्होंने कहा आपको मालूम है कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा कॉम्पेयर छुपा हुआ, वेरी नाइस, छुपी हुई है। तो मैं, शौक तो था अच्छे, जो भी कोई अच्छा बोलता था तो मैं बहुत नोटिस किया करती थी अपने घर में भी, बाहर भी, अपने स्कूल में, कॉलेज में, टीचर्स को भी, फ्रेंड्स को भी। तो वो बाद में ये कह सकते हैं कि अली तना साहब ने मुझे एज ए कंपेयर जो है वो डिक्लेयर किया, और बकायदा मेरा ऑडिशन हुआ रेडियो पे 2007 में, और मैंने फिर बकायदा वहाँ पे रियाज मेलची साहब के साथ और प्रोग्राम्स जो है मैंने शुरू किए पंजाबी में, सराइकी में, और स्क्रिप्ट भी मैंने खुद लिखना वहीं से शुरू किया। मतलब आप एक अच्छी राइटर भी हैं। अच्छा तो खुद को नहीं मैं कह सकती, मैं तो कभी भी नहीं कहती आई एम नथिंग, मैं आज भी कुछ भी नहीं हूँ। अल्लाह ताला आपको सलाहियत दे, बिल्कुल नवाजते हैं और वो मौके भी देते हैं आपको, अगर आप मेहनत करें अच्छे दिल से, सच्चे दिल से, तो वो अपने आप को मनवाने का चांस मिलता है। तो ऑडियंस जो बताए आपके बारे में, जो कमेंट्स करे अच्छे, वो तारीफ होती है अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाले। तो नहीं आप माशाल्लाह मतलब हर तरह से अबूर हासिल रखती हैं अपने अल्फाजों पर और अपनी तमाम एक्टिविटीज़ पर। हमने ये भी जाना, बल्कि दुनिया और हमारे व्यूवर्स ये भी जानते हैं कि एक आप दौरान कंपेयरिंग अगर कोई फरमाइश कर दे और अगर से खुदा ना खास्ता कोई हमारा आर्टिस्ट लेट हो जाता है, तो आप खला को बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल करती हैं, गाती भी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, मैंने खुद सुना है, हमारे व्यूवर्स में से किसी न किसी ने लाजमी सुना होगा। तो आज हमारे व्यूवर्स को कुछ गुनगुना के आप कुछ अगर सुना दें तो। हाँ नदीम, मैं इसे इनकार नहीं करूँगी, म्यूज़िक जो है बड़ा ज़बरदस्त एक शोभा है, और हमारे जितने भी फ़नून लतीफ़ा के असनाफ हैं उसमें ये बहुत खूबसूरत सिंथ है।
तो जो लोग मौसीकी को समझते हैं, सुर से प्यार करते हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। जुनून के हद तक शौक है सुनने का, अच्छा हमेशा अच्छे लोगों को सुना है, और यही वजह है कि उसी शौक को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस अपनी एकेडमी का जो है वो बकायदा इनेकाद किया, बनाई 15 साल से। किस नाम से आपने एकेडमी बनाई? संपूर्ण म्यूजिक एकेडमी। संपूर्ण म्यूजिक। कितने अरसे से बनाई इसको? माशाल्लाह हो गए 13 साल रेगुलर। ठीक है। संपूर्ण एकेडमी में मैंने अक्सर देखा कि हमारे जितने भी टीवी और फिल्म के लेजेंड्स हैं, मैंने एक दो मरतबा अटेंड किया, फिर दोस्त जमाल साहब और एक मरतबा मैडम यहाँ पर सबिया संगीता मैम भी मेरी मुलाकात है। मैडम नगमा आ चुकी हैं, मैडम संगीता आ चुकी हैं, फिर दो जमाल आ चुके हैं, मतलब और भी बाबर नियाजी साहब, तो फैल नियाजी साहब के घराने से उनके साहबजादे वो आ चुके हैं। और इसके अलावा आर्ट्स काउंसिल में, क्योंकि हम प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करते थे, तो शफकत सलामत को हम एजाज हासिल बुला चुके हैं। अजमल और आजम साहब हैं, वो अब मतलब नहीं रहे इस दुनिया में, तो अजमल साहब एक बहुत बड़ा नाम, तबला नवाज ने बख्शीश सलामत के ख़ानदान का बहुत बड़ा चश्मो चराग, बहुत बड़े तबला नवाज थे, तो उनके साथ बड़ी हमारी एक बड़ा ज़बरदस्त इंट्रैक्शन रहा है, उनको बुलवाया हमने। गुलकारी में बकायदा आप किनके शागिर्द हुए? गुलकारी में मेरा सबसे बड़े है, तो पुरानी बात 96 की बात है, 1996 की बात है, तो उस्ताद जावेद हनी साहब अभी भी हयात है और अल्लाह ताला उन्हें हमेशा सलामत रखे। मेरे सबसे पहले म्यूज़िक में उस्ताद वही हैं बकायदा, जिन्होंने मुझे, मैंने पहली बार उन्हीं के पास हारमोनियम देखा, तबला भी पहली दफ़ा उनके पास देखा, और उन्होंने ही सबसे पहला मुझे सरगम पे सारे गामा पादा निसा जो है मुझे, यानी म्यूजिक ए बी सी डी उन्होंने सिखाई है। बिल्कुल बेसिक, इस पैटर्न को यूं ले लेते हैं, आसानी हो जाती है। शायद आप ये शायरी से भी शौक रखता है? हाँ शायरी बिल्कुल, ऐसा हो नहीं सकता कि एक आर्टिस्ट हो वो शोबिस से वाबस्ता हो और म्यूजिक को पसंद करे और शायरों को ना करे, तो ये किने पढ़ती है ज्यादा? मैं राइटिंग्स में तो मैं पढ़ती हूँ इशफाक अहमद, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, और शायरी में बहुत बड़े नाम है, फैज अहमद फैज साहब है मतलब, और जॉन एलिया जज्बाती बड़े राइटर हैं, कुछ अपनी शेर शायरी भी लिखती हैं? लिखी थी कभी मैंने, लेकिन वो मंजर यहाँ पर मैं लाती नहीं। किसके लिए? अपने लिए लिखती हैं जी। शमीम अंसारी अपने अंदर बहुत सारी सलाहियत रखती हैं और उसे उजागर भी करती हैं और वक्त आने पे उसका भरपूर इस्तेमाल करती हैं। शमीम अंसारी, मैं, मेरे व्यूअर्स चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा गुनगुनाएं, हमें थोड़ा सुनाएं कुछ। हाँ मैं बिल्कुल कोशिश कर लेती हूँ गुनगुनाने की, और देखते हैं ऑडियंस पसंद करती है। बिल्कुल करेंगे जी, आप अपनी राय भी दीजिएगा। और शमीम अंसारी जो है वो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि माशाल्लाह से अल्लाह ने अच्छा सुर भी दिया, नवाजा है, गला भी अच्छा है इनका। लाइफ का हिस्सा नहीं, कभी सैड कभी खुशी कभी गम, तो जब आप बहुत ज्यादा खुश होती तो क्या करती? मैं वैसे घर में की अगर आप बात पूछ रहे हो तो मैं घर में, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, बच्चे भी हैं घर में, भाई हैं भाभी हैं, तो उनके बच्चों के साथ मेरा बड़ा इंटरेक्शन है, तो मैं बच्चों उनके टीचर बनी हुई है, टीचर नहीं, उनके साथ मेरी बड़ी दोस्ती है, बड़ा इंटरेक्शन है, बच्चों के साथ बहुत खुश रहती हूँ, बड़ा मुझे बच्चों से प्यार, बहुत ज्यादा सुकून फील होता है।
आपके अंदर हर इंसान के अंदर एक बच्चा भी तो है ना, तो आप अपने अंदर वो बच्चा ढूंढती रहती है। चलिए ये अच्छी बात है। ये बताइएगा कि हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं और आपके बहुत से फैन भी हैं, तो आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज नदीम आप किस हवाले से, क्योंकि काम के हवाले से? जनरली मैसेज तो खैर मैं बहुत सारे देना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि टाइम मुझे पता है कि शॉर्ट होता है, तो अगर मुख्तसर ही बात की जाए तो बेहतर होगा। मेरा पैगाम ये है कि हम जिस फील्ड में भी काम करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो उसको बड़ी दिलजमी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, अपनी फील्ड के साथ वाबस्ता रहें, अपने दोस्तों के साथ बहुत फेयर होकर चलें। आपके जो कलीग्स होते हैं, आपके जो उस्ताद होते हैं, जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो सब आपको किसी ना किसी हवाले से सपोर्ट कर रहे होते हैं अपने काम में, तो प्लीज़ उनके साथ बड़ा फेयर रहिए, उनके साथ उनका भी ख्याल रखिए, और आसपास भी नज़र दौड़ाइए कि किसी को अगर आपकी ज़रूरत है तो आप पीछे ना हटिए, मतलब आप जहाँ तक हो सकता है उनकी हेल्प कर सकते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से। तो मेरा ये आज का पैगाम है। दौरान काम, मतलब वो राइटर हो, हर शोबे में मुनाफिकत भी है और कंपटीशन भी है, आप क्या समझती हैं कि आपको इसका सामना ठहरा? बहुत ज्यादा। मैं तो तकरीबन अगर मैं इन 15 सालों से भी पीछे चली जाऊं, 20 साल अगर मैं कहूँ कि मैं 20 साल से ही फील्ड में हूँ, तो मैं आज तक भी वो मुनाफिकत अरूज पे ही जा रही है, उसको मैंने कम नहीं देखा, लेकिन मेरी जंग अभी भी जा रही है मुनाफिकत के साथ और ये रहेगी, यकीन कीजिए। मैंने जो मैसेज आपको जो मेरा है या जो मेरी जितनी भी कन्वर्सेशन है आप लोग सुन रहे हो, तो मैं नहीं कंप्रोमाइज करती, जो गलत बात है वो गलत है, जो सही है वो सही है, वो कह देनी चाहिए। वेरी नाइस। और कंपटीशन आपका पड़ा और सामने वाला बंदा तगड़ा था, आपसे डाटा था, फिर आप क्या हार मान ली आपने या मुकाबला किया? जिन दिन अगर कोई ऐसा टाकरा हो ही जाता है, तो अल्लाह के हुक्म से मैं अपने काम से जो सलाहियत अल्लाह ने मुझे दी है, मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं अपने आप को थोड़ा सा साबित कर सकूँ, थोड़ा सा, तो अल्लाह पाक ने हमेशा मुझे जो है ना इज्जत ही बख्शी है ऐसे मुकाम। हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपके बारे में उन्होंने जाना भी कि आपने कब से कहाँ से और किन किन शोबों में अपनी खिदमात को बखूबी तौर पर सर अंजाम दिया। नदीम खान ऑफिशियल के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नदीम खान ऑफिशियल के लिए मेरा यही पैगाम है कि बड़ी खुशी हुई आपको सोशल मीडिया पे देख के, आपने बड़ा ज़बरदस्त चैनल बनाया है, बड़े ज़बरदस्त व्यूअर्स हैं आपके और बड़ी हाई रेटिंग पे आप जा रहे हैं, बड़े कम अरसे में आपने अपना नाम बना लिया, मेरी भी बेस्ट विशेज आपके साथ है, और ये बहुत अच्छा किया कि न्यूज़पेपर के साथ साथ आपने सोशल मीडिया को ज्वाइन किया, अपना चैनल बनाया और बड़ी अच्छी सेलिब्रिटीज़ को आप लेकर आ रहे हो, बड़ा म्यारे काम कर रहे हो, और अपने म्यार पे कभी भी आपने पहले भी कंप्रोमाइज नहीं किया, अखबार में भी कभी आपने कंप्रोमाइज नहीं किया, और उम्मीद है यहाँ पर भी कभी नहीं करेंगे। माशाल्लाह से आप बहुत अच्छी राइटर भी हैं, बहुत अच्छी कंपेयर भी हैं और बहुत अच्छी गुलकारा भी हैं, तो आज हमारे व्यूवर्स कुछ सुना दीजिए, ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो आप प्रैक्टिस भी करती हैं रोज़ाना, मैंने देखा है, तो आज हमें वो, हम चाहते हैं कि हमारा कैमरा आपकी प्रैक्टिस भी दिखाए, आप अपने उस्ताद के साथ बैठती हैं, असातज़ा के साथ बैठकर आप प्रैक्टिस करती हैं, तो आज हम अपने व्यूवर्स को वो भी दिखाएंगे। बस यही कहूँगा आपको, यही कहूँगा कि आपको कि ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, कोशिश कीजिए कि जुड़े रखिए, जुड़े रखने से ही ज़िंदगी बढ़ती है। आप चाहते हैं कि इस तरह की खूबसूरत सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात रहे, तो आपने करना सिर्फ ये है कि नदीम खान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलें। मिलते हैं अगली किसी खूबसूरत सेलिब्रिटी के साथ, उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान नदीम खान को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Oh, yeah.
सदमे।